Hello peoples, good morning, good afternoon and good evening. Welcome back to our next class. बच्चों, हमने last class में NPO chapter start किया था, non-profit organization. Non-profit organization में बच्चों हमने last class में पढ़ा था कि NPO जो organizations होती हैं, basically उनका काम क्या है, उनका motive क्या है, और जो NPOs होती हैं वो अपने एनुअल अकाउंट्स में कौन कौन से लेजर प्रिपेयर करती हैं. हमने उसमें ये पढ़ा था कि वो अपने एनुअल अकाउंट्स के अंदर तीन तरह के अकाउंट्स बनाकर चलती है. नंबर एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी उसकी बैलेंस शीट. तो हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए थे अपनी लास्ट क्लास में. फर्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया था एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस कर लिया था. तो आज की हम क्लास में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है. देन बच्चों फिर हम आज की क्लास में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी बेसिस पर हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि इसकी बैलेंस शीट जो होती है, बेसिकली मैंने जब लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है, जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर है. तो आज हम उसी बैलेंस शीट पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन करेंगे. देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर अपने फुल फ्लैश क्वेश्चंस के ऊपर हम आगे आ जाएंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पर. तो जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे पहले. तो बच्चों पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन. From the following information, based on the data assimilated from the cash book given in the example first at page number 4, the receipt and payment account of the Golden Cricket Club for the year ended on 31st March 2015 will be prepared as follows. तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहता है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, जो गोल्डन क्रिकेट क्लब, और ये कौन से ईयर के लिए बनाना है हमें, ईयर एंडेड 31st March 2015. तो देखो बच्चों क्वेश्चन में ना आपके पास आपको कैश बुक की समरी दी होगी बेसिकली, या आपको कैश अकाउंट बना के दिया होगा, और उससे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और देन उससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर अपनी बैलेंस शीट हमें बनानी है. तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे. इस क्वेश्चन में हमें समरी ऑफ दी कैश बुक, यानी कैश बुक की समरी हमें दी गई है. जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में कि कैश बुक के अंदर इसने क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं. देखो सबसे पहले इसने जो आइटम दिया है, नंबर एक कैश इन हैंड एज ऑन 1st April 2014. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाना है, ये हमने बनाना है 2014-2015 के लिए. 2014-2015 का क्या मतलब है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो 1st April 2014 से 31st March 2015 तक है, ये 12 मंथ्स का पीरियड. ठीक है, तो हमारे लिए जो करंट ईयर है वो करंट ईयर कौन सा है हमारा, 2014 एंड 15, ये हमारा करंट ईयर है जिसके लिए हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है. आइए, तो हमें कैश इन हैंड एज ऑन 1st April 2014 को जो ने दिया, यानी ये ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है हमें 20,000 का. कैश एट बैंक एज ऑन 1st April 2014, ये हमें ओपनिंग जो बैलेंस दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, बैंक का. बच्चों जरा ध्यान रखना, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या होता है हमारा, ये कैश बैलेंस होता है, और कैश एट बैंक जो होता है हमारा बैंक बैलेंस होता है. सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन जो इसने दिया है वो इसने ये दिखाया है कि 2013-2014 का जो हमें मिला है, यानी कि ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का जो हमें मिला है वो कितना मिला है बच्चों, 30,000. और 2014 एंड 15 जो हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर का हमें मिला है 2,25,000 रुपये. और 2015 एंड 16 का एडवांस में भी हमें मिला है इसी साल 10,000 रुपये, जो कि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है. तो देखिए कैश बुक में तीनों सालों के क्यों दिखा रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर या कैश बुक के अंदर तो हम सारा का सारा कौन सा अमाउंट दिखाएंगे, जो हमें कैश में मिला है, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर
नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन फॉर द बिल्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर देखो, डोनेशन तो हमें मिला है, बट किस पर्पज के लिए मिला है? बिल्डिंग बनाने के मकसद से। तो ये हमारा कौन सा डोनेशन हो गया, जनरल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन? सर ये हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है। वेरी गुड। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। ओके, थर्ड दिया है हमें, लाइफ मेंबर से फीस दी हुई है। ठीक है, ये हमारी कैपिटल नेचर की आइटम है, कैपिटल रिसीट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटनिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेज एंड सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। लोकल रेंट, ये रिसीट है बेटा, लोकल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, लोकल रेंट रिसीव्ड। परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके, एंड कैश इन हैंड एज ऑन 31st of March 2015। ये देखिए इसने क्या दिया है, इसने ये दिया है हमें क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, और कैश एट बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस, यानी बैंक बैलेंस भी इसने हमारा दिया हुआ है क्लोजिंग। तो चलिए हम इससे क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए जी बनाइए। सबसे पहले आपको कैसे क्वेश्चन करना है, आप लिखेंगे आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, गोल्डन क्रिकेट क्लब। लिखिए गोल्डन क्रिकेट क्लब। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप कौन सा लेजर बना रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, कौन से साल के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2015। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए जी बनाइए। सुंदर सुंदर बनाइए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लिखे जी, इस साइड आप लिखेंगे रिसीट, यहाँ लिख देंगे अमाउंट, और ये हो गया अपने पास पेमेंट, ये हो गया अपने पास अमाउंट रुपीज़ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले अमाउंट, सबसे पहला ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें कैश का और बैंक का। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे बताइए, किस साइड लिखें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली हम क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट ही बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास डेबिट साइड, और ये हो गया हमारे पास क्रेडिट साइड। तो लिखिए जी टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले लिखिए कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड का, 20,000 रुपये। अब लिखिए कैश एट बैंक, ये बैंक का बैलेंस हो गया आपका पास 35,000 रुपीज़। ये ओपनिंग लिखा, टोटल कितना आ गया, 55,000। उसके बाद आप इसमें लिखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ लिख दीजिए इसका क्लोजिंग बैलेंस बाई, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, आप इसको लिखिए टू, या तो ओपनिंग बैलेंस लिखिए या फिर इसको लिखो आप, क्या लिखे इसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, लिखिए जरा क्लोजिंग बैलेंस है इसका 23,470। 23,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 23,470,000 रुपीज। आइए जी बारी बारी चलते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। आइए जी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड या पेमेंट साइड? सब्सक्रिप्शन तो हमें मिला होगा, तो रिसीट साइड में लिखते हैं हम जरा सब्सक्रिप्शन। लिखिए जी टू सब्सक्रिप्शन, टू
सब्सक्रिप्शन कौन कौन से साल का मिला है? 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016। कितना अमाउंट है? 30,000, 2,25,000। लिखिए जी, 30,000, 2,25,000 एंड 10,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास बताइए जी? 2,65,000। ओके, नेक्स्ट लिखिए आप। ये हमने लिख दिया, अब बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन लिख दिया हमने जी सर। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ जाएगा बताइए? रिसीट साइड में लिखो, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितना? 60,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब मिली है हमें। लिखते चले जाओ, एंट्रेंस फीस टू लाइफ मेंबरशिप फीस, जरा अमाउंट बताओ। देखिए, एंट्रेंस फीस हमें मिला है 23,000 और 20,000 रुपये हमें मिला है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये लिख दिया 23,000 और ये लिख दिया हमने 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटनिंग। देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने इसके लिए पैसे दिए हैं, हमारी जेब से चला गया अमाउंट, तो कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू लाइटनिंग फी भी हमने पे किया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमने पे किया है। कितना अमाउंट किया है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 38,750 और 26,250। 38,750, 26,250। नेक्स्ट, रेट्स एंड टैक्सेस। टू रेट्स एंड टैक्सेस, ये बेसिकली टैक्सेस ही होते हैं बेटा, रेट्स एंड टैक्सेस टैक्सेस ही होते हैं, ड्यूटीज वगैरह होती हैं। 17,000 पे की हमने। टेलीफोन चार्जेस, हाउ मच? 2,600। नेक्स्ट, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, ये कितना है? 2,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारी जेब से क्या है, खर्चा हो रहा है सारा का सारा, हमारी जेब से चला गया, तो पेमेंट साइड में दिखा रहे हैं। वेजेज एंड सैलरीज, ये भी पे की है, वेजेस एंड सैलरीज 88,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी पे किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है हमने? 15,000। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यानी गोल्डन क्रिकेट क्लब ने कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें ब्याज भी मिला है, इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, कितना मिला है हमें इंटरेस्ट? 18,000 रुपीज़। तो लिखिए, मिला है तो रिसीट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 18,000। ओके जी, आ जाओ जी लॉकर रेंट रिसीव। टू लॉकर रेंट रिसीव्ड, कितना है जी हमारे पास? लॉकर रेंट हमें मिला है 42,000। ठीक है, 42,000। परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओ माई गॉड, ये क्या है? अब देखो, जहां पर हमने क्या की है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की है, दैट मीन्स कि इस संस्था ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तभी तो हमारे पास ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो उसके ऊपर तभी तो इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो परचेज की है तो कहाँ चली जाएगी, यानी हमारी तरफ से हमने पे करा है इसके लिए। टू परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना? 2,00,000। ओ
ओके डन। तो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। हमारे पास बेसिकली बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम क्या निकालते थे बैलेंसिंग फिगर के अंदर, उसका क्लोजिंग बैलेंस यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन हमें तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब अब कुछ निकालने के लायक हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो अब हमारे पास जो दोनों साइड का जो टोटल होगा वो मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मैच करता है तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर मैच नहीं करता है तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए जरा मैच करते हैं बच्चों, जरा टोटल लगाओ जरा कितना बनता है इसका। वाओ वेरी गुड। चलिए जी ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आइए जरा एग्जाम्पल सेकंड देखिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या है, सिल्वर पॉइंट, प्रिपेयर ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2017। तो हमारा जो इसमें करंट ईयर कौन सा हो गया, सबसे पहले आप करंट ईयर लिखेंगे 2016, 2017, 2016 एंड 2017। ओके हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ओके जी जरा एक बार देख लेते हैं कि इसने क्या क्या दिया हुआ है कैश बुक के अंदर। ओपनिंग कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है 1000 रुपीज़। ओके ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 7200, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर 15-16 के लिए, तो ये हमें प्रीवियस ईयर के लिए दिया हुआ है, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ओके एंट्रेंस फीस रिसीव हो गई है, बिल्कुल ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, डोनेशन रिसीव फॉर द पवेलियन, रेंट पेड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, एक्सपेंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट, सैलरी पेड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेज, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपके पास दोनों का दिया हुआ है, कैश का भी एंड बैंक का भी, लेकिन जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। चलिए जी जरा बनाते हैं अपनी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, स्टार्ट करो। आंसर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिल्वर पॉइंट, लिखो जी सिल्वर पॉइंट। क्या बना रहे हो आप, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन से ईयर के लिए बना रहे हो, फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016, 2017। ओके चलो जी बनाओ, अच्छा अच्छा बनाओ, वेरी गुड। लिखो जी यहां हमारी डेबिट साइड में क्या आ जाएंगी, सारी की सारी रिसीट्स, हाँ जी, और क्रेडिट साइड में हमारे पास आ जाएंगी सारी की सारी पेमेंट्स। ओके सर चलिए जी लिखिए, सबसे पहले हमें लिखना है अपना ओपनिंग बैलेंस, लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक। बताइए जरा कैश एंड बैंक का कितना बैलेंस है, 1000 और 7200, 1000, 7200, टोटल हो गया हमारा 8200। नेक्स्ट आइए सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फोर, लिखिए जी टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन कौन कौन से साल के लिए हमें मिला है, 15-16 पिछले साल के लिए, 16-17 इस साल के लिए, और 2017-18 अगले साल के लिए। कौन कौन से ईयर, 500 जो मिले हैं पिछले साल के मिले हैं,
500, इस साल का मिला है 7600, ठीक है सर। अगले साल के लिए कितना मिला है? 900। टोटल बच्चों हमें कितना मिल गया? 9000 रुपीज़। वेरी नाइस। ओके, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, बताइए जरा, ये रिसीट साइड में आएगा पेमेंट साइड में? हमने रिफ्रेशमेंट्स को सेल किया है, और उसको सेल करने से हमें पैसा मिला होगा या गया होगा? मिला होगा सर। तो लिखिए टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, हाउ मच? 1000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, वाओ, टू एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1000 रुपीज, ठीक है जी। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बताइए जरा, हमारे पास था कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था खेल कूद का, जो कि हमने बेच दिया, स्क्रैप्स थी कुछ जो बेच दी हैं, पुराने सामान को बेचने से जो अमाउंट आया कितना आया? 1200 रुपये। तो जरा बताइए, पेमेंट साइड में लिखूँ रिसीट साइड में? सर रिसीट साइड में लिखिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बच्चे कितना पैसा आया? 1200 रुपये। नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर द पवेलियन, ओ माय गॉड, जो डोनेशन हमें मिला है वो किसके लिए बना मिला है? पवेलियन के लिए, पवेलियन को बनाने के लिए 4600 रुपये। तो ये स्पेसिफिक फंड हो गया, बट मिला है तो हमें दिखाना पड़ेगा रिसीट साइड में। टू डोनेशन फॉर पवेलियन 1200, 1200 ही मिले हैं ना? 4600 रुपये, सॉरी 4600 रुपये, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट, रेंट पेड, ये तो सर पता ही चल रहा है, ये तो पेमेंट ही है। बाई रेंट पेड कितना? 3000। सॉरी बच्चों, जो पेमेंट साइड है ना, सारी की सारी बाई आएंगी यहाँ पर, माई मिस्टेक, ये सारे के सारे बाई हैं, ध्यान रखना आप। बाई रेंट पेड, रेंट पेड कितना है? 3000 रुपीज। उसके बाद में है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस लिखिए जरा, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस कितना अमाउंट है? 4800। उसके बाद में आ जाओ परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, बाई परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स 600। उसके बाद है एक्सपेंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट, बाई मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ टेनिस कोर्ट कितना अमाउंट है? 2000 रुपये। नेक्स्ट है सैलरी पेड, बाई सैलरी पेड कितना अमाउंट है? 2500। उसके बाद है बच्चों टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ओके जी, बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 2400 रुपये। फर्नीचर परचेस्ड, बाई फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है जी, 1500। ऑफिस एक्सपेंसेस, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस 1200 रुपये, ठीक है जी। बाई बैलेंस, अब लिखिए क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, किसका? कैश और बैंक, हमें निकालना है बैंक का, तो ठीक है ना। अच्छा जी, अभी लिखिए पहले कैश इन हैंड का कितना क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए सर, आपको कैसे पता कि यहाँ पर मुझे बैंक का बैलेंस जो है क्लोजिंग निकालना पड़ेगा? देखो बच्चों, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों के बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है।
हमें कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और बैंक का भी बैलेंस दिया हुआ है। अब ऐसा तो देखो दो केसेस हो सकते हैं, जब कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो उसका या तो कुछ ना कुछ हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा या फिर जीरो बैलेंस होगा, बट होगा ना। ऐसे ही बैंक का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है बेहतर, तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा या तो कुछ अमाउंट होगा या फिर उसका भी बैलेंस जीरो होगा। तो हम जरा एक बार निकाल के देख लेते हैं कि किस बैलेंस निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है, चलिए जरा निकालिए, टोटल करिए इसका। पहले रिसीट साइड का टोटल करो, कितना आता है 25,000। रिसीट साइड का टोटल आ गया 25,000, हमने यहाँ लिखा। अच्छा जी, माइनस कीजिए इसमें 3,000 माइनस 4,800 माइनस 2,600 माइनस 2,500 माइनस 2,400 माइनस 1,500 माइनस 1,200 माइनस 400। तो हमारे पास जो बैंक का बैलेंस बचा वो कितना बचा, 6,600। ये हमारा आंसर है बेसिकली। ठीक है जी, बैंक का बैलेंस हमारा कितना निकला है, 6,600 रुपये। चलिए बच्चों नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू हमारा क्या कहता है, फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये हमें क्या बनाने के लिए बोलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। किसका, क्लीन दिल्ली क्लब का। किस साल के लिए बनाना है, 31 मार्च 2017 के लिए। तो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर आ गया वो कौन सा है, 2016-2017। मैंने एक साइड में इसको लिख लिया। ठीक है जी, अच्छा बताइए जरा, अब इसने मेरे को तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है। अब मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे जरा ये सीखते हैं। ओके जी, चलिए जी बनाइए इसका आंसर। हेडिंग डालिए क्लीन दिल्ली क्लब। क्या बना रहे हैं हम इसके लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, चलिए बनाइए। ड्रॉ कीजिए, ओके। तो हम बेटा डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, इनकम या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स। यहां लिखा मैंने अमाउंट और यहां लिखा मैंने इनकम्स, ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल है आपको याद है, नॉमिनल अकाउंट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए जी अब जरा देखते हैं कैसे लिखने हैं इसमें आइटम्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हमने लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद बना के दिया हुआ है क्वेश्चन ने। तो अब इस क्वेश्चन में अंदर आपको ये पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चाहे वो कोई भी आइटम जो कि कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, सारे आइटम्स आते हैं। चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, सारे आइटम्स ट्रांजेक्शन्स आते हैं। बस रिसीट साइड में वह आइटम लिखना है जिसमें हमें हमारे पास कैश आया है, और पेमेंट साइड में वो आइटम्स लिखते हैं जिसमें वजह से हमारे पास से कैश चला गया है। ठीक
ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक्रुअल बेसिस पर बनाया जाता है और इसके अंदर वही ट्रांजेक्शन्स उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर किया जाएगा जो कि रिलेटेड होंगी हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से, और इसके अंदर हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो अकाउंटिंग होगी वो एक्रुअल बेसिस पर की जाएगी। ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए ज़रा अब सबसे पहले एक एक आइटम्स देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले इसने दिया है बाय, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कैश इन हैंड का इसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या ओपनिंग बैलेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। इसको हमने इग्नोर कर दिया, ओपनिंग बैलेंस इसको हम नहीं दिखाएंगे। क्या हम यहाँ पर देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस को दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे सर, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इसने दिया हुआ है 22,500 का। अब इसने ये यहाँ पर लिख के नहीं दिया कि ये कौन से साल का है, क्या ये पिछले साल का है, इस साल का है या नेक्स्ट ईयर का है। तो जब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ओनली सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन मेरे इस साल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ये कहाँ दिखाऊँगा, सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है तो मेरी इनकम है या खर्चा है, बताइए ज़रा। इनकम हुई तो मैं इनकम साइड में इसको दिखाऊँगा बाई सब्सक्रिप्शन, समझ गए, बाई सब्सक्रिप्शन मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ करंट ईयर, करंट ईयर का कितना है 22,500। सपोज करो कि इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के अंदर मान लो तीनों आइटम्स दिखाए हुए थे कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर का भी था, इसके अंदर करंट ईयर का भी था और नेक्स्ट ईयर का भी था, तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से वाला सब्सक्रिप्शन लेना था? जस्ट ओनली और ओनली कौन सा, करंट ईयर का, याद रखना। एंट्रेंस फीस, इनकम है मेरी बाई एंट्रेंस फीस 1250 रुपये। उसके बाद में डोनेशंस लिखे जी ज़रा, बाई डोनेशंस, देखिए डोनेशंस कितना है पहले लिखिए 2500 रुपये। डोनेशन के केस में बच्चों मैंने ये बताया था कि डोनेशन हमारे दो तरीके के डोनेशंस होते हैं, नंबर एक जनरल डोनेशन और एक दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। जनरल डोनेशन हमारा रेवेन्यू नेचर का आइटम था, जबकि स्पेसिफिक डोनेशन जो था हमारा कैपिटल नेचर का आइटम था। तो जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे बैलेंस शीट में जाते, लेकिन जो जनरल डोनेशन है, जो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर जो डोनेशन लिखा है इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया कि ये किस पर्पस के लिए दिया गया है, तो हम इसको जनरल डोनेशन मान के चलेंगे और इसको रेवेन्यू आइटम मानकर इनकम साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये लिखा होता कि डोनेशन फॉर द टूर्नामेंट फंड या डोनेशन फॉर द पवेलियन फंड, डोनेशन फॉर दी दिस एंड दैट पर्पस, तो हम उसको क्या करके कैपिटल रिसीट मानते और कैपिटल रिसीट को फिर हम कहाँ दिखाते, कहाँ दिखाते, वो बैलेंस शीट का आइटम हमारा बन जाता, ठीक है। चलिए जी, वो बैलेंस शीट में फिर हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, वो आगे हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब देखेंगे इसको। नेक्स्ट रेंट ऑफ होल, हमने अपने होल को रेंट पर दिया था उसकी वजह से हमें रेंट मिला है, बाई रेंट ऑन, बाई रेंट ऑफ होल, सॉरी बाई रेंट ऑफ होल 750 रुपये। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी भाई, बाई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी, 3000 रुपये, बताइए ज़रा। इनकम है मेरी, नहीं नलायको, नहीं ये मेरी इनकम नहीं है। क्यों सर? अरे बच्चों, यहाँ पर जो मैं सेल कर रहा हूँ वो सेल किस चीज़ की कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, कैपिटल नेचर का आइटम है या रेवेन्यू नेचर का आइटम है? ये कैपिटल नेचर का आइटम है। क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा बैलेंस शीट में दिखाई जाती है और बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम्स हमेशा कैपिटल नेचर के आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया इसलिए ये मेरा इनकम नहीं बनी। बट अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करने से अगर मुझे कोई प्रॉफिट होता या कोई मुझे लॉस होता तो मैं उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाता, या मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उसको मैं इनकम मानकर इनकम साइड में उसको शो करता। तो इसलिए ये मेरा कैपिटल नेचर का आइटम था, इसलिए मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट
सैलरी, मैं यहाँ पर देखो सैलरी मैंने पेड की है, सैलरी पेड की है, तो एक्सपेंडिचर साइड में टू सैलरी 1500, रेंट टू रेंट 800 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी 3500 रुपये, टैक्सीस 1700 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380 रुपये, उसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस हाउ मच 920 रुपये, बुक्स परचेस्ड, बताइए जरा बुक्स परचेज लिख दूं मैं यहाँ, बुक्स परचेस्ड कितने की है 7500 रुपये। बेटा एक बात बताओ, क्या बुक्स परचेज मेरे लिए एक्सपेंडिचर है? क्या ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है? फिर हम इसको एक्सपेंडिचर में क्यों दिखा रहे हैं? देखिए यहां पर मैं बुक्स परचेज कर रहा हूं, बुक्स मेरे लिए क्या है? असेट। और ये कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। तो असेट अगर मैं खरीद रहा हूं तो वो मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मेरी असेट है, मैं असेट परचेज कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है? तो मैं बुक्स को कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में, यहां नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है? इसको मैं यहां से काट देता हूं, इसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड, ये भी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या किया? गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स खरीद लिए। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने का मतलब है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का आइटम्स है, ठीक है? तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ओके जी, उसके बाद में वो कहता है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, हमने बैंक के अंदर FD करा ली। और FD कब कराई? 5000 रुपये की, 31 मार्च 2017 के अंदर। तो फिक्स डिपॉजिट भी कहाँ जाएगी? ये भी इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी, बैंक के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो इसने डेट दी है ना, इस डेट का बहुत महत्व है। वो क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि अभी इस डेट का यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा, बिकॉज कि जो हमने FD की है ना बैंक में, वो हमने किस डेट को की है? 31 मार्च 2017 को। और जब हम अपनी जो बना रहे हैं अकाउंट्स, वो भी कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2017 को, यानी कि उसी दिन हमने इन्वेस्टमेंट की जिस दिन हम खाते बना रहे हैं। तो अगर मैं इस पे ब्याज निकालना चाहूँ तो मेरा तो इस पे कुछ ब्याज बनता ही नहीं है, है ना? लेकिन अगर ये डेट होती सपोज विद इन अ ईयर वाली, कि अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट किया और वो मैंने किया मान लो 1 जनवरी 2017 को, ये डेट ये ना होकर ये होती, तब क्या करते हैं? तब इस केस में हम क्या करते हैं? उसका ब्याज निकालते हैं। भाई फिक्स डिपॉजिट जो FD हम करते हैं बैंक के अंदर, उसके ऊपर हमें ब्याज भी तो मिलता है ना बैंक से, तो हम उसका ब्याज निकालेंगे। अब ब्याज कितने दिन का निकालेंगे, कितने महीने का निकालेंगे? देखिए हमने वो कब खरीदी? 1 जनवरी 2017 को। और बुक्स हम कब बना रहे हैं? ये परचेज डेट हो गई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी? और बुक्स कब बना रहे हैं, बुक्स क्लोज कब कर रहे हैं अपनी? 31 मार्च 2017 को। तो इतने दिन का हम क्या निकालेंगे इसमें? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हम इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर ये डेट दी होती तो, ठीक है जी? तो ये जरा ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर इस डेट की वैल्यू इसलिए नहीं रही क्योंकि सेम डे जिस डेट पर बुक्स क्लोज हो रही है उसी डेट पर ही हमने FD की है बैंक में, तो यहाँ पर इसका कोई ब्याज नहीं बनता। अगर ब्याज बनता तो इंटरेस्ट निकाल कर फिर हम उसको इनकम साइड में दिखाते, यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और फिर ब्रैकेट में दिखाते कि हम इसमें 3 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं, 5000 गुना कितना परसेंट, यहाँ पर या तो वो देता कि भैया इतने परसेंट की रेट से, ठीक है ना? अभी यहाँ रेट्स नहीं दी हुई हैं, तो सपोज मान लो रेट दी होती 8%, तो 8/100 × 3/12 ऐसे करके, ठीक है जी? तो हम इसमें ऐसे इसकी इंटरेस्ट निकालते हैं, देखेंगे अगले आने वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, तब देखेंगे उसको। ओके चलिए जी, बस सारे आइटम्स हो गए।
तो जरा निकालिए, जरा क्या आया फिर हमारे पास टोटल निकल कर, हाउ मच? 27,000। 27,000 माइनस करो जी, माइनस 1500, माइनस 800, माइनस 800, उसके बाद में है माइनस 3500, माइनस 1700, माइनस 380 और माइनस 920, तो मेरे पास बच गया 18,200। ये मेरा क्या निकल के आ गया? टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको मैं क्या बोलूँगा? सरप्लस। ठीक है जी, ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015 ऑफ नेगीज क्लब, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। अब वो कहता है कि नीचे दिए गए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। ओके जी, बनाते हैं। कौन से साल के लिए बनाना है? 31 मार्च 2015। तो मेरा करंट ईयर जो हो गया वो क्या हो गया? 2014-2015। ठीक है, ओके जी। चलिए जरा एक बार पहले क्वेश्चन आपको रीड करना है ठीक से, क्योंकि अब इसमें एडजस्टमेंट आएंगी, एडजस्टमेंट दी हुई है इस क्वेश्चन में, पढ़ो। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में जो रिसीट एंड पेमेंट साइड है, ये देखो एक्सपेंडिचर इनकम लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिसीट है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था इसमें, ये पेमेंट्स है हमारी। ठीक है, रिसीट साइड में देखिए जरा क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पर। बैलेंस कैरिड डाउन, ओहो बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ नहीं है, ब्रोट डाउन है ब्रदर, ये ठीक कर लीजिए जरा क्वेश्चन। बैलेंस ब्रोट डाउन, किसका बैलेंस दिया हुआ है? बैंक का 25,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन 2013 का हमें दिया हुआ, यानी पिछले साल का 1500, 2014 करंट ईयर का है 10,000, 2015 नेक्स्ट ईयर का हमें 500 का सब्सक्रिप्शन मिला है। डोनेशन दिया है 2,000 रुपये का, डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम इसको जनरल डोनेशन मान के चलेंगे। ठीक है, होल रेंट, होल रेंट हमें मिला है 300 का। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स मतलब हमने बैंक में जो हम पैसा जमा कराते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है 450 रुपये का। एंट्रेंस फीस मिली है 1,000 रुपये की। उसके बाद में पेमेंट साइड में जा रहा है, देखते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, अच्छा जी हमने फर्नीचर परचेज किया है, और वो कब परचेज किया हमने? 1 जुलाई 2014 को। यहाँ पर डेट दे दी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे। 5,000 रुपये सैलरीज दी हुई है हमें, सैलरीज पे की है। टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। परचेज ऑफ बुक्स, वेरी गुड, परचेज ऑफ बुक्स भी दी हुई है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट आ गई है 5% की जो रेट दी हुई है इसने, कि इससे हम ब्याज निकालेंगे इसका 5% के रेट के हिसाब से। गवर्नमेंट पेपर्स हमने खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर, और कब की है? 1 जुलाई 2014 को। ओके जी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन में हमें कैश का बैलेंस दिया हुआ है और बैंक का बैलेंस हमें यहाँ दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस। जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बच्चों। एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा यहाँ पर। पहले, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, और जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट्स होती हैं पहले उन एडजस्टमेंट्स को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है, किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट याद करनी है। देखिए मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। पॉइंट नंबर एक, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1500। सबसे पहले जो एक एडजस्टमेंट दी हुई है सैलरी के ऊपर, वो कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग है एक सैलरी 1500 रुपये की। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सैलरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, मैं गया पेमेंट साइड में, ऊपर मैंने देखा सैलरी, तो सैलरी के ऊपर मैंने क्या किया? एक स्टार बना दिया। स्टार बनाने से क्या होगा कि मुझे जब मैं देखूंगा ट्रांजेक्शन्स के ऊपर एक एक आइटम देखूंगा तो मुझे ये याद रहेगा कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है जो नीचे दी गई है, ताकि मुझे उस एडजस्टमेंट को कंसिडर करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये, तो मैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर भी एक स्टार लगा दूंगा, ताकि मैं जब करूंगा तो मुझे याद रहेगा। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, ओह 150 रुपये का बैंक इंटरेस्ट भी मिलना बाकी है, तो मैं गया यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, यहाँ स्टार लगा दिया। सब्सक्रिप्शन अक्रूड है, अक्रूड का मतलब भी बेटा आउटस्टैंडिंग होता है, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, ठीक है 400 रुपये।
तो सब्सक्रिप्शन अक्रूड है 400 रुपये। अब ये कौन से साल का है अक्रूड है, मैं मान के चलता हूँ इसको ये हमारे करंट ईयर का ही अक्रूड है। जब कुछ नहीं दिया गया तो मैं मान के चलूँगा कि मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है, तो यहाँ मैंने स्टार लगा दिया। उसके बाद में 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, वो कहता है कि जो हमारी एंट्रेंस फीस है वो उसमें से 50% पार्ट हमारा कैपिटलाइज करना है, और 50% हमारा रेवेन्यू है। एंट्रेंस फीस के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है जी। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, वो कहते हैं कि फर्नीचर के ऊपर आप 10% के हिसाब से डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे। ओके जी, तो मैंने फर्नीचर के ऊपर भी एक स्टार लगा दिया, ठीक है। चलिए जरा अब बनाते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले बनाइए आंसर, क्या करना है हमें। नाम लिखेंगे नेगीज क्लब, नेगीज क्लब आप क्या बना रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड इकतीस मार्च 2015, राइट। बनाओ जरा, लिखिए जी। डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इनकम्स। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे आप, इनकम्स। ओके चलिए जस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, क्या मुझे लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन क्या मुझे लिखना है, हाँ जी लिखना है। क्या तीनों लिखने हैं, पिछले साल का भी लिखना है, नहीं सर आपको सिर्फ करंट ईयर का कंसिडर करके चलना है, और करंट ईयर का मेरा कौन सा है, 2014 का, तो 2014 का 10,000 रुपये इसने दिया है, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाई बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन, और ब्रैकेट में क्या लिखूँगा 2014, कितना है 10,000, ऐड कर दूंगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने स्टार लगाया हुआ है। स्टार लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट दी हुई है। ओके जरा एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन अक्रूड या आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये, तो इसका मतलब है कि मेरा जो इस साल का जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है, वो मुझे 2014 का जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितना मिला है, 10,000 तो मिल चुका है, और 400 रुपये भी और मिलना बाकी है, तो मेरे लिए टोटल इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,400 रुपये, तो मैं इसमें लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 10,400 रुपये पूरे साल का, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट ये हो गया डोनेशन। डोनेशन बताइए जरा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, जनरल डोनेशन मान लूं तो इसको मैं कहाँ दिखा दूंगा, जनरल डोनेशन है तो इनकम साइड में, बाई डोनेशन, डोनेशन कितना मिला है 2,000 रुपये। उसके बाद होल रेंट, बाई होल रेंट रिसीव्ड कितना मिला है 300 रुपये। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, देखो स्टार लगा हुआ है इस पे ध्यान से, बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स कितना है जरा, 450 रुपये। ओके जी स्टार लगा हुआ है, तो इसकी एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये मेरी सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट हो गई है, बैंक डिपॉजिट वाली पढ़ते हैं जरा। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150 रुपये, तो ये मतलब है कि हमें अभी और मिलना है 150 रुपये, तो मैं आउटस्टैंडिंग है मेरा अभी ऐड कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150 रुपये अभी और मिलना है, तो टोटल कितना हो गया 600 रुपये, राइट ये मेरा हो गया। नेक्स्ट पढ़िए,
एंट्रेंस फीस देखिए, उस पर भी स्टार है, उसको भी ज़रा ध्यान से करेंगे। बाई एंट्रेंस फीस, अभी कितना है एंट्रेंस फीस? रिसीट साइड में कितना मिल चुका है अभी तक हमें? 1,000 रुपये बेटा। एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट क्या बोलती है? 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज। ओके, तो वो कहता है कि जो हमारी एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस टोटल कितनी है? 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ में से वो कहता है कि 50% जो उसकी है, 50% कितनी हो गई? 500 रुपये। 500 रुपये कैपिटलाइज करनी है और 500 रुपये रेवेन्यू नेचर की आइटम है। तो इसका मतलब जो 500 रुपये जो हमारा कैपिटलाइज वाला आइटम है वो हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में, और जो 500 रुपये वाला है वो हम कहाँ ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, क्योंकि वो रेवेन्यू से है। तो मैं इसमें क्या दिखाऊंगा? इसमें मैं दिखाऊंगा ओनली 500 रुपीज़, नीचे ब्रैकेट में लिख दूंगा 50% ऑफ, या 50% टू बी कैपिटलाइज, 50% टू बी कैपिटलाइज्ड, राइट। चलिए जी, उसके बाद में आ जाओ परचेज ऑफ फर्नीचर। भाई फर्नीचर खरीदा है हमने, तो फर्नीचर कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट तो अभी हम बना नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, इसको भी फिलहाल देख लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा के क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ा, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। ओके, तो यहाँ पर यह कहता है कि जो हमने फर्नीचर खरीदा है उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, ठीक है ना, लॉसेस बेसिकली। तो मैं इसको क्या दिखाऊंगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो, जो फर्नीचर मैंने खरीदा है वो फर्नीचर तो मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा, लेकिन फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो वो डेप्रिसिएशन मेरा कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वैल्यू देखो आप फर्नीचर की कितनी है, 5,000 रुपये। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% एडजस्टमेंट में दिया है। और कितने महीने का कैलकुलेट होगा आप बताओ जरा? कैलकुलेट होगा हमारा, देखो कब खरीदा था, 1 जुलाई 2014 को। 1 जुलाई 2014 को हमने फर्नीचर खरीदा। बुक्स हमारी कब क्लोज हो रही हैं? 2015 में, ठीक है। यहाँ देखो, 1 जुलाई 2014 में हमने खरीदी, और बुक्स कब क्लोज हो रही है हमारी? 31 मार्च 2015 में। तो टोटल कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो हमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 9 बाई 12 जरा निकालो कितना हो गया, 375 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब जब आप बैलेंस शीट अगर बना रहे होते तो बैलेंस शीट में फिर आपको कैसे दिखाना होता? बैलेंस शीट में आप दिखाते फर्नीचर, ठीक है, 5,000 रुपये, और उसमें से लेस करते फिर आप डेप्रिसिएशन, कितना, 375 रुपये। ओके, नेक्स्ट सैलरीज लिखो जी, टू सैलरीज 2,000 रुपये, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2, टेलीफोन एक्सपेंसेस 2, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 300 और 600, ठीक है। उसके बाद में है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150 रुपये। नेक्स्ट पोस्टेज एंड स्टेशनरी हो गया। परचेज ऑफ बुक्स, देखिए परचेज ऑफ बुक्स तो मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये तो असेट्स है मेरी बुक्स, ठीक है, मैं बुक्स परचेज कर रहा हूँ तो मेरी असेट हो गई है, तो हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस यहाँ कितना है, 900। ओके, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है,
एडजस्टमेंट पढ़िए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज़, ये वाली तो लिखिए। तो मेरी ऐड कर देंगे हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, मेरे पूरे साल का टोटल खर्चा कितना हो गया 1400 रुपये, जबकि पे कितना किया है मैंने सिर्फ 900 रुपये, 500 पे करना है, आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, अच्छा जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास में परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स। अब वो कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, परचेज की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो इन्वेस्टमेंट अगर की है तो बैलेंस शीट में चली जाएगी, यानी 8000 रुपये जो है मैं बैलेंस शीट में एज ए इन्वेस्टमेंट उसको दिखा दूंगा। ये हमने कब खरीदी है, 1 जुलाई 2014 को। ओके जी, अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, ठीक है, तो ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए रेट दी हुई है, और रेट देने का मतलब उसका मोटिव ये है कि यहाँ पर मुझे एक हिडन आइटम्स फाइंड आउट करनी है, और वो हिडन आइटम्स कौन सी है, इंटरेस्ट, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बताइए। चलिए जरा इंटरेस्ट निकालिए, तो इंटरेस्ट मेरा कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन 5% गवर्नमेंट पेपर्स। निकालो कैसे निकालोगे, टोटल है हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की, 8000 की, 5% के हिसाब से हम रेट कैलकुलेट करेंगे, और टोटल कितने महीने का हो गया, 1 जुलाई में हमने खरीदी थी, और बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च 2015 को, वही 9 महीने का हम कैलकुलेट इसमें कर लेंगे। टोटल लगाइए कितना बन गया, 300 रुपीज़, राइट, ये हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपये। ओके, बैलेंस कैरीड डाउन, क्या क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का लेंगे, नहीं लेंगे। तो अब एडजस्टमेंट क्या हमारी सारी हो गई हैं, हाँ जी एक रह गई है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा सैलरी हमने ली नहीं थी क्या, ओहो भूल गए, ठीक है, जो सैलरी है इसमें हम दिखा देंगे 2000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1500, टोटल हो गए 3500, ठीक। चलिए जरा निकालिए जरा क्या बना, डेफिसिट आया या सरप्लस आया, 7175, ये मेरा क्या आ गया, टू सरप्लस, ठीक है जी, बैलेंस कैरीड डाउन 7175। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया एडजस्टमेंट वाला एक छोटा सा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं एनपीओ की बैलेंस शीट बनाना, कि एनपीओ की बैलेंस शीट और बैलेंस शीट से थोड़ी सी डिफरेंस कैसे है, ठीक है, उसमें क्योंकि जो उसकी बैलेंस शीट है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो एनपीओ की जो बैलेंस शीट होती है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं बैलेंस शीट बनाना। लिखिए जी नेक्स्ट, अपना टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जहां पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, राइट, जरा बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो बच्चों, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वहां पर हम सारी की सारी क्या दिखाते हैं, आपको पता है जैसे कि लाइबिलिटीज, और जो हमारी राइट साइड होती है वहां पर हम क्या दिखाते हैं, असेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम चुपचाप बैलेंस शीट को लिखेंगे, जो जो मैं आइटम्स आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर इसको समझेंगे। लिखिए सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल फंड, ब्रैकेट में जनरल फंड, अंडरलाइन करके मैं लिखता हूं इसमें ओपनिंग बैलेंस, प्लस करेंगे इसमें सरप्लस,
माइनस कर देंगे डेफिसिट, ठीक है जी, प्लस करेंगे इसके अंदर, और क्या प्लस करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक फंड, ये भी हम इसमें प्लस कर देंगे, और जो उसका टोटल आएगा उसको हम आउटसाइड में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होगा इसमें स्पेसिफिक फंड, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में लिख लीजिए टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट कॉमा पवेलियन कॉमा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्लब फंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये समझने के लिए है। इसके अलावा कुछ और भी फंड्स आपके स्पेसिफिक फंड्स हो सकते हैं, लिखिए इसमें क्या क्या आइटम्स कैसे लिखने हैं, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद प्लस करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट किया हुआ था और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी हम इसमें जोड़ देंगे, प्लस स्पेसिफिक डोनेशन, प्लस स्पेसिफिक डोनेशन, हमें और डोनेशन मिल गया वो भी हमने इसमें जोड़ दिया, माइनस कर देंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया, और माइनस करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, राइट, और उसका टोटल हम कर देंगे यहां, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा अपना अदर आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड, अदर आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड इफ एनी, कॉमा डाल के इफ एनी, अगर कुछ हुआ तो, डी पॉइंट, अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, एग्जाम्पल के लिए जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम एक्सेट्रा, ठीक है, यह मैंने टोटल कर दिया। अब जरा कवर करते हैं हम एसेट साइड को, ठीक है, लिखिए जरा एसेट साइड में, पहला पॉइंट फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, सेकंड पॉइंट स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्शन, ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए बिल्डिंग और पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट डी कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये क्लोजिंग, बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है, डी के बाद है ई अदर एसेट्स,
फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास असेट साइड के टोटल लग जाएगा। ये हमारे पास आ गई असेट साइड। इसके जब क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, अभी एग्जांपल्स करते हैं, इसका एक एग्जांपल कराता हूँ जिसके अंदर मोस्टली आपके पॉइंट्स जो हैं कवर हो जाएंगे एक सिंपल से एग्जांपल में। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर नेक्स्ट बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं समझने के लिए। बैलेंस शीट को लिखिए जरा, ये क्वेश्चन है जी। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को आराम से, ध्यान से पढ़िए क्या क्या आइटम्स आपके पास दिए गए हैं इसमें। इसमें दिया गया है आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग पवेलियन फंड, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, पवेलियन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर पवेलियन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बिल्डिंग फंड दिया हुआ है। अब इसमें यह पूछता है कि हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है? एक्सट्रैक्ट का मतलब है नॉट फुल्ली एग्जैक्ट मीन्स। ठीक है, नॉट फुल्ली मैनर, यानी कि हमें बैलेंस शीट, इसमें जो बैलेंस शीट का जो टोटल होगा ना दोनों साइड का एसेट एंड लाइबिलिटीज का, वो बराबर नहीं होगा। आपको सिर्फ आइटम्स लिखने की, कौन कौन से आइटम्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे और एसेट साइड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, दिस इज द एक्सट्रैक्ट, मतलब वो फुल्ली फ्लैश नहीं है। चलिए जी स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, देखिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, मैंने ये अक्सर देखा है कि जो 11th 12th के जो बच्चे होते हैं, मोस्टली जो स्कूलों में इनको बच्चों को सिखाया जाता है, उनको एक एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना सिखाया जाता है। कि जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, या कोई ऐसा क्वेश्चन होगा फुल फ्लैश आगे आने वाले क्वेश्चंस में जिसमें आपके आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना होगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपको बनाना होगा और बैलेंस शीट भी आपको बनानी होगी, तीनों अकाउंट आपको बनाना होगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो स्कूलों में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि आपको पहले एक एक अकाउंट आपने बनाना है। जैसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, फिर उसकी हेल्प से आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाओगे, और देन उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे। तो बच्चों वो एक गलत मेथड है, आप उसको फॉलो मत करना मेरी क्लास में। हम इसमें जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे सारे के सारे एक साथ बनाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर हमारे जो कॉन्सेप्ट बिल्ड है ना, अच्छी तरीके से हमने सीखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाएंगी, तो हम अभी से अपने आप को उस लेवल पे लेकर आएंगे, ताकि अगर मेरे सामने कोई भी एक ट्रांजेक्शन्स अगर मेरे सामने लिख दी जाए या मैं उसको करने की कोशिश करूँ, तो मुझे ये पता रहे कि इस ट्रांजेक्शन को करते ही इसका इम्पैक्ट किन किन अकाउंट्स में एक साथ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक ट्रांजेक्शन की और उस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट मान लो मेरे तीनों अकाउंट्स में आता है, एक साइड मेरा रिसीट साइड में आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और एक साइड मेरा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आ रहा है, और एक साइड मेरा वो बैलेंस शीट में। जैसे सपोज करो कोई एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैंने कोई एक इन्वेस्टमेंट परचेज की है, राइट। अब मैंने जब इन्वेस्टमेंट परचेज की तो मैं सबसे पहले कहाँ दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा दूंगा इन्वेस्टमेंट करके। उसके बाद में जब मैंने परचेज किया है तो मेरे पास से क्या चले गए होंगे, पैसे चले गए होंगे, कैश गया होगा। तो मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाया, उसको पेमेंट साइड में भी दिखा दिया कि परचेज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो मैंने उसमें वहाँ दिखाया कितने अमाउंट से मैंने परचेज किया है, और उसके ऊपर जो मिलने वाला ब्याज है, इंटरेस्ट जो भी होगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो मेरा कहाँ पे जाएगा, इनकम अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में भी जाएगा। तो मैं उसकी इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो करके चलूंगा। तो मतलब कि एक ट्रांजेक्शन जैसे ही होती है, उस ट्रांजेक्शन्स के जितने जितने इम्पैक्ट जिस अकाउंट में जाएंगे, उस अकाउंट में मैं उसको करता हुआ चलूंगा एक साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए जी, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है,
ये लो जी, और एक मैं बनाता हूँ अपनी बैलेंस शीट। ये लो जी, जहाँ पर मैंने क्या लिखा, अभी मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ तो उसको मैं ये लिखूंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक, चलिए, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर रुपीस, यहाँ दिखाऊंगा इनकम रुपीस, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज रुपीस, ये हो गई मेरी असेट्स एंड रुपीस। ठीक है जी, चलिए जी एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड, ये हमारा जनरल फंड है, कैपिटल फंड या जनरल फंड 1 लाख रुपए का। मैं कहाँ दिखाऊंगा इसको, लाइबिलिटी साइड में। हेडिंग डालता हूँ सबसे पहले ए, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस कितना, 1 लाख रुपए। हो गया जी, पहली ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो गई है बच्चों। नंबर 2, ओपनिंग पवेलियन फंड और ओपनिंग टूर्नामेंट फंड 6 लाख 1 लाख रुपए, ये भी लिख देता हूँ, पवेलियन फंड और टूर्नामेंट फंड। थोड़ा सा स्पेस देकर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये मेरे स्पेसिफिक फंड है, तो आ जाएगा मेरा टूर्नामेंट फंड, और थर्ड होगा मेरा पवेलियन फंड। ओपनिंग बैलेंस देखो जरा कितना था, ओपनिंग बैलेंस पवेलियन का था 6 लाख, टूर्नामेंट का था 1 लाख, टूर्नामेंट का था 1 लाख, पवेलियन का था ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, राइट। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगी हमारे पास, 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट को तो मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ दिखाओ आप पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 60,000 रुपये। डोनेशन फॉर द टूर्नामेंट, तो डोनेशन जो जनरल डोनेशन तो है नहीं, टूर्नामेंट के लिए दिया गया, तो स्पेसिफिक डोनेशन आ गया है ना, कितना, 20,000 रुपये। देखिए हमारे पास टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला है, तो मैं इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा। तो यहां पर आप देखिए कि टूर्नामेंट फंड के अंदर एक और टूर्नामेंट फंड मुझे मिल गया है, यानी कि और मुझे मिल गया है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, अब इसके अंदर मुझे क्या मिल गया, और मिल गया है टूर्नामेंट का, तो डोनेशन रिसीव 60,000 रुपये, ठीक है ना। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर देखिए मैंने जब बैलेंस शीट बताई थी आपको, तो ये मैं स्पेसिफिक फंड की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक फंड के अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, इंटरेस्ट फ्रॉम दी स्पेसिफिक फंड अभी कुछ नहीं आया, स्पेसिफिक डोनेशन यानी कि अभी जो हमें डोनेशन मिला था ना टूर्नामेंट का, ये वही था कि हमें और एक्स्ट्रा फंड मिल गया है, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो माइनस कर देंगे हम, राइट। तो हमें यहाँ पर एक फंड दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड का, एक्सपेंसिस भी है 1.5 लाख का, तो हम टूर्नामेंट में से माइनस कर देंगे, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1,50,000 रुपये, ठीक है ना। पवेलियन एक्सपेंसेस, अब ये दिया है जो एक्सपेंस है ये रिलेटेड किससे है, पवेलियन फंड से, तो 10,000 रुपये मैं पवेलियन में से माइनस कर दूंगा। ये मेरे पास पवेलियन फंड का है, माइनस
पवेलियन एक्सपेंसेस कितना था? 10,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमें इंटरेस्ट मिला है कहाँ से? पवेलियन फंड में जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, पवेलियन फंड का अमाउंट को इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे हमें इंटरेस्ट मिला है 2,000 रुपये का। तो चलिए ज़रा देखते हैं, पवेलियन फंड है, हमने इसको इन्वेस्ट किया हुआ था 6,00,000 रुपये को जो भी था, इसमें से हमें मिल गया इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जोड़ दिया कितना था, सॉरी कितना था, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये, ओके ये हो गया। आ जाओ जी, डोनेशन फॉर पवेलियन, और एक्स्ट्रा डोनेशन मिल गया पवेलियन के लिए 40,000 का, तो पवेलियन फंड में जोड़ देंगे इसको, डोनेशन 40,000 रुपये, राइट। आता है नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ देखिए इसको समझिए ज़रा पहले, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें नहीं पता कि ये किस फंड को हमने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर हमें मिला है ना, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया। तो जब इस तरीके का कोई इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया गया हो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और उसके आगे कुछ ना लिखा गया हो, तो हम उसको ये मानेंगे कि ये जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, फ्रॉम जनरल फंड और कैपिटल फंड, ठीक है। जनरल फंड, जनरल फंड यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं, हम तीन बॉक्सेस या दो बॉक्सेस में बनाकर चलता हूँ, ये है बॉक्स वन, ये है मेरा बॉक्स टू और ये है मेरा बॉक्स थ्री, ठीक है। इस बॉक्स का नाम मैंने रखा जनरल फंड, इस बॉक्स का नाम मैंने रखा स्पेसिफिक फंड, और स्पेसिफिक फंड किसके लिए, ये है फॉर टूर्नामेंट, ये मैंने रखा स्पेसिफिक फंड फॉर पवेलियन, राइट। अब मैं ये कहता हूं कि जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जनरल फंड एक स्पेसिफिक फंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो पैसा आता है, यानी कि जो हमें यहाँ पे डोनेशन मिलता है जनरल फंड के अंदर, उस पैसे का यूज हम किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी खर्चे को करने के लिए यूज कर सकते हैं इस फंड का, हम जनरल फंड को, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक फंड में क्या होता है कि जिस पर्पस को पूरा करने के लिए जो डोनेशन हमें मिलता है, हम उस पैसे का यूज सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस को पूरा करने के लिए ही कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, स्पेसिफिक फंड, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास सपोज इस बॉक्स के अंदर पहले से 1,00,000 रुपये पड़े हुए थे, दैट इज ओपनिंग बैलेंस जनरल फंड, है ना। ऐसे ही मेरे पास जो टूर्नामेंट का जो मेरा ओपनिंग फंड था वो जरा कितना था, देखिए टूर्नामेंट में मेरे पास जो फंड पड़ा हुआ था वो था 1,00,000 रुपये का, इसमें जो पहले से अमाउंट पड़ा हुआ था वो था 1,00,000 रुपये। मैं कहता हूं कि मुझे फर्दर और डोनेशन मिल गया टूर्नामेंट के लिए ही 60,000 रुपये का, तो मैंने जोड़ दिया, अभी टोटल कितना बन गया, 1,60,000 रुपये। मैंने कहा कि टूर्नामेंट से रिलेटेड मैंने कुछ खर्चे कर दिए, यानी कि मैंने कुछ एक दो मैच कराए, कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह कराए जिसके ऊपर मेरा खर्चा हो गया, यानी वो खर्चा किसको कराने से हुआ, टूर्नामेंट को कराने से हुआ, यानी वो उससे रिलेटेड खर्चा हो गया, सपोज 20,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो मैंने क्या किया, इसी फंड में से पैसे दिए होंगे, इस फंड में से, इस फंड को तो यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है ना, और ना ही इस फंड को यूज़ किया होगा, तो टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर मुझे कोई भी खर्चा करना है तो मैं इस फंड से पैसे निकालूंगा, तो जब इस फंड से पैसे निकाले तो 20,000 रुपये मेरे माइनस हो गए, ठीक है ना। दूसरी फॉर्म में मैं कहूँ कि इसमें से मैंने कुछ अमाउंट क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ था, सपोज 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस 50,000 रुपये को इन्वेस्ट करने से मुझे ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट मैं कहाँ पे डालूंगा, वो इंटरेस्ट भी तो इसी में ही डालूंगा, दैट इज वो जुड़ जाएगा इसमें इंटरेस्ट। तो यही लॉजिक है हमारा इसके अंदर,
जो इसको लिखने के पीछे जो हमारा लॉजिक है ना बच्चों बैलेंस शीट में, वो यही तो है। स्पेसिफिक फंड में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, कुछ ना कुछ तो बैलेंस हमारे पास बुक्स में पड़ा ही हुआ है। उसके बाद में हमारे पास अगर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन जो मिलता है, अगर कोई फर्दर डोनेशन हमें मिला तो हमने उसको जोड़ दिया, उससे रिलेटेड हमने कोई खर्चा किया तो उसी फंड में से किया होगा तो हमने उसको माइनस कर दिया, यानी हमारा जो डोनेशन था, जो स्पेसिफिक फंड था, वो माइनस हो गया यानी कि कम हो गया। उसके बाद में हमारे पास अगर हमने उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी किया हुआ है और इसको इन्वेस्टमेंट करने से हमें कुछ ब्याज भी मिलता है, तो उस ब्याज को भी हम इस फंड में जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रिसीव की हम बात कर रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रिसीव सिंपल सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो इंटरेस्ट रिसीव्ड से कहाँ से आया है, जनरल फंड से आया है। जो जनरल फंड जो होता है ना हमारे, उसको हमने इन्वेस्ट किया हुआ था और उसके इन्वेस्टमेंट करने से हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो होता है जनरल फंड, ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। ठीक है, तो लिखो इसको बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था? 10,000 रुपीज, राइट। उसके बाद लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी कराता हूं मैं थोड़ी देर में, 1 मिनट रुको। नेक्स्ट लिखो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट जहां लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, यहां लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट था? 5 लाख। उसके बाद ओपनिंग बिल्डिंग फंड 6 लाख, ओपनिंग बिल्डिंग फंड कहाँ लिखेंगे? यहां लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इसका डी पॉइंट था बिल्डिंग फंड। हमारे पास एक बिल्डिंग फंड भी है जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपए। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास एक ही पॉइंट रह गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, इसको समझते हैं। देखिए सपोज मैं कोई एक बिल्डिंग बना रहा हूं, ये मैं कोई एक बिल्डिंग बना रहा हूं और इस बिल्डिंग को बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में मेरा खर्चा हो गया 1,10,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, समझे आप? इस बिल्डिंग को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ मेरा 1,10,000 रुपये, वो मैंने कहाँ से खर्च किया होगा? मेरे पास देखो बिल्डिंग फंड है ना बिल्डिंग फंड, तो मैंने ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए जो 1,10,000 रुपये खर्च किए हैं वो अपने बिल्डिंग फंड में से किए होंगे, ठीक है ना? मुझे जो डोनेशन मिला था बिल्डिंग फंड के लिए, उस फंड से मैंने क्या किया, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, और ड्यूरिंग द ईयर वो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट मेरा 1,10,000 रुपये खर्च हो गया। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, उस केस में मेरा क्या हो गया बताओ जरा? यहां से लेस हो गया अमाउंट, लेस हो गया ना अमाउंट, मेरा बिल्डिंग फंड कम हो गया ना उससे। हाँ जी, मेरा बिल्डिंग फंड कम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना बुक्स में एक प्रोविजन है इस तरह के आइटम्स के लिए, कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाले आइटम्स के लिए, कि आपको स्पेसिफिक फंड, जिस भी फंड, जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग मेरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए अगर जो मेरा बिल्डिंग फंड है, स्पेसिफिक फंड है, उसमें से आप उतना अमाउंट जितना कंस्ट्रक्ट हो चुका है, खर्चा हो चुका है कंस्ट्रक्शन के लिए, उतना अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफर कर दोगे इस फंड में से कैपिटल फंड के अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा बिल्डिंग फंड, मैंने उसमें से बिल्डिंग फंड को यूज किया है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है जी? मैंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना? 1,10,000 रुपये, ठीक है? 1,10,000 रुपये मैंने यहां से ट्रांसफर
ट्रांसफ़र कर दिए। इसका मतलब मेरा बिल्डिंग फंड 6 लाख था, जिसमें से मैंने 1,10,000 रुपये इसको यूज़ कर लिया, है ना, यूज़ कर लिया। तो इसको कहाँ लेकर जाएंगे, कैपिटल फंड में। अभी मैंने लिखा ना ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, और यहाँ पर मेरे पास आकर क्या जुड़ जाएगा, ये अमाउंट जुड़ जाएगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड 1,10,000 रुपये। यहाँ देखिए, बिल्डिंग फंड में से मैंने माइनस किया, यहाँ से 1,10,000 रुपये माइनस किया, यानी कि वहाँ से निकाल कर मैंने कैपिटल फंड में इसको डाल दिया 1,10,000 रुपये को, और उससे मैंने क्या करी, एक बिल्डिंग बना ली, बनानी स्टार्ट कर दी, जिसके ऊपर मेरे 1,10,000 रुपये खर्चा हुआ। तो मैं अब उसको कहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी बिल्डिंग है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मैं वो कहाँ दिखाऊंगा, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन असेट साइड में भी दिखाऊंगा कि मेरी असेट है वो 1,10,000 रुपये की। समझ में आया ये पॉइंट, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, बस एक प्रोविजन आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आपको असेट साइड में दिखानी तो है। अब बिल्डिंग, यह बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई टूर्नामेंट का ग्राउंड भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन असेट है या जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन होगी आपकी चीज, उसको आप बैलेंस शीट में असेट साइड में पहले दिखाओगे, और उसके पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक फंड आपका बना हुआ है उसमें से आप उसको उतना अमाउंट माइनस कर दोगे, यानी ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल फंड में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बिल्डिंग फंड में से उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया कैपिटल फंड में, यानी कि यहाँ से माइनस करके कैपिटल फंड में उसको जोड़ दिया। बस एक ये प्रोविजन आपको याद रखना है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें एक पॉइंट आपको नोट करना है इंटरेस्ट रिसीव के लिए, उसको जरा नोट कर लीजिए, नॉट किसके लिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड, इसके लिए आप नोट लिख लीजिए। पहले लिखिए जरा इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ब्रैकेट में लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द जनरल फंड, फ्रॉम द जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट बंद, इज इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर देंगे। याद रहेगा। चलिए जी, अब जरा अपनी बैलेंस शीट को जरा एक बार करते हैं, टोटलिंग करते हैं जरा इसका। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, नेक्स्ट आता है हमारा टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, डोनेशन रिसीव्ड ये मेरे ख्याल से 20,000 रुपये था बेटा, ये 20,000 रुपये ही था, आप देखना क्वेश्चन ऊपर। तो हमारे पास ये टोटल कितना आ रहा है, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 माइनस, तो ये आ गया हमारे पास माइनस में 30,000। ओ माय गॉड, ठीक है, ये तो माइनस में तो अब दिखाई नहीं सकते इसको यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो टूर्नामेंट का बॉक्स था उसके अंदर 1 लाख पहले हुआ था, 1 लाख में हमने 20,000 और डाल दिया, हमें और मिल गया फर्दर, ठीक है, टोटल कितना हो गया 1,20,000, लेकिन इसमें से हमने खर्चा कितना कर दिया 1,50,000, यानी खर्चा हमारी इनकम से ज़्यादा ही हो गया, कितना ज़्यादा हो गया 30,000। तो हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ तो इसको हम दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, नील, और जो 30,000 रुपये उसको हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस साइड में, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लिखिए जरा, टू एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000 रुपये। ठीक है, जरा एक बार इसको भी टोटल कर लो, या डेफिसिट आ रहा है क्या आ रहा है? ये 30,000 रुपये मेरा आ गया, 30,000, 20,000 मेरा डेफिसिट आ गया बाय डेफिसिट। और डेफिसिट कहाँ जाता है? डेफिसिट आपका माइनस हो जाएगा कैपिटल फंड में से, ठीक है ना? माइनस हो जाएगा 20,000 यहाँ। आप यहाँ दिखा के इसको माइनस करके नेट लिख सकते हो, 20,000 मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो पवेलियन फंड है ये आ गया, पवेलियन फंड आपका आ जाएगा 6,32,000, और ये आपका आपका 4,90,000। यहाँ पर ये अपना है ही, तो ये अपनी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमारी बन गई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है एक। तो बच्चों, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपका कोई भी डाउट आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक में, किस चैप्टर के अंदर और किस क्वेश्चन के अंदर आपके कौन सा डाउट है। मैं ज़रूर उसको एज सून एज पॉसिबल ट्राई करूँगा आपको रिजोल्व करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।